अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सांसद शंकर लालवानी दुबई दौरे पर है, जहां दुबई के टेक्समेस टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन ने सांसद लालवानी का सम्मान किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद लालवानी के साथ सिंधी समुदाय से मुलाकात करते हुए व्यापार की संभावना को लेकर खास चर्चा की है। देखिए खास रिपोर्ट। दुबई के बिजनेस टाइकून और मशहूर सोशल आइकॉन जितेंद्र मतलानी के विशेष अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसद शंकर लालवानी ने दुबई के सिंधी समुदाय से मुलाकात की, जहां दोनों ही नेताओं ने सिंधी समुदाय के भविष्य और व्यवसाय की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान अध्यक्ष महेश आडवाणी, जगदीश अमरनानी, जुगल हरवानी, कैलाश मनवानी, जय अवतानी, किशन खुशलानी मौजूद रहे। साथ ही दादा वासु श्रॉफ के मार्गदर्शन और उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कि मैं अभी 2-2.5 साल में जितनी बार लोकसभा में मौका मिला बोलने का, उतना तो हमारे जो सीनियर सांसद है उन्होंने बोला हमें 5 साल में भी नहीं मिला था, जो आपको 2 साल में मिल गया। तो ये तभी संभव होता है कि जब हम लोकसभा कहते जीतते हैं। उन्होंने नया इतिहास बनाया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, हम सब जो नए सांसद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी तरफ से भी। और ये भी धन्यवाद दूंगा कि एक बार मुझे मौका मिला सिंधी में समाज की बात रखने का, तो मैंने निवेदन किया। तो इन्होंने ट्रांसलेटर को अरेंज किया, जबकि हमारे यहाँ ट्रांसलेटर वैसे तो होना चाहिए, पर देश के इतिहास में कभी भी लोकसभा में सिंधी में अपनी बात रखने का मौका आया नहीं था। तो एक ट्रांसलेटर थे जो कि पहले सर्विस में थे, वर्षों पुराने, उन्होंने पूरी सर्विस पूरी की और रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनको बुलाया गया कि अब आइए, वो जो मानो जब ट्रांसलेटर हो सिंधी हो वो उनका मिलना आया हूँ। चाहिए कि माँ सजे नौकरी कई 50-52 साल में, पर कभी मुझे एक मिनट लाए भी ट्रांसलेटर करने मौको न मिलो कि माँ सिंधी का हिंदी या अंग्रेज हाँ। जब मुझे रिटायरमेंट को तमा आया हो जब वो सिंधी में गालाया था तो मुझे बुलाया था हाँ। हाँ तो हिन व्यवस्था कही है कि ट्रांसलेटर परमानेंट लोकसभा में रहो, यह व्यवस्था पकड़ी लोकसभा में सिंधी ट्रांसलेटर जो सिंधी का हिंदी अंग्रेजी चलो, तो मैं चाहता हूँ ताली बजा के मैं शपथ जी गाल है। मान लो मुझे मन में जरूर हो कि वहाँ सिंधी में गाला है कि हिंदी में गाला है, पर हमेशा चंदा कि असि मातृभाषा में गाला है, शुक्र असिता जितने जाए उतने अच्छी वा। संख्या में दुबई के सिंधी समाज जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, दुबई।